मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है श्वसन तंत्र। क्या है? जिसका नाम है श्वसन तंत्र। ये श्वसन तंत्र जिसमें मैं आपको बताऊंगी श्वसन क्या है, श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और श्वसन में कितनी क्रियाएं होती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बारी बारी से बताएंगे। और ये आपके जो चैप्टर है, आपके हर एग्जाम में जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम आप दोगे, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। तो देखिए, श्वसन तंत्र में हमने आपको लिखा है आपके लिए प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन। क्या है प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन, क्या होते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, हमें काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मशीन को भी काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। बिना एनर्जी के न तो मनुष्य चल सकता है न तो मशीन चल सकती है। बल्कि उसके जो ईंधन होते हैं, वो ईंधन मनुष्य के अलग होते हैं और मशीन के अलग होते हैं। अब देखिए, जो मशीन के लिए क्या होता है, उसको ऊर्जा को लेने के लिए पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करता है। किसका? पेट्रोल और डीजल के द्वारा जो है उसको ऊर्जा मिलती है और वो जो है कार्य करता है। और शरीर के लिए भोजन के रूप में उसको ऊर्जा मिलती है, यानी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए क्या लेता है, वो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो भोजन को ग्रहण करता है और भोजन से उसको प्रोटीन विटामिन वसा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिससे उसको ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा प्राप्त होने से उसका शरीर जो है गतिमान होता है। अब देखते हैं वसा श्वसन तंत्र। क्या हमारे श्वसन तंत्र, अब देखिए जो ये श्वसन होते हैं, ये शरीर के अंग जो श्वसन में भाग लेते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का मतलब इसमें कई पार्ट जुड़े हो, तो सिस्टम यानी श्वसन में जितने भी अंग हमारे पार्ट भाग लेते हैं, उसमें सहयोग करते हैं श्वसन लेने के लिए, सांस को लेने के लिए, वो क्या होते हैं, श्वसन तंत्र होते हैं। जैसे इसमें नाक, उसके बाद हमारे श्वसनी होती है, श्वसनिकाएं होती हैं, लंग्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, भाग लेने वाले अंग होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारे सांस लेने में सहयोग करते हैं। अब देखिए, जो श्वसन, यानी हम जब सांस लेते हैं, इसमें दो क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी, एक इनहेल होती है और एक एक्सहेल होती है। क्या होती है? एक इनहेल होती है और एक एक्सहेल होती है। इनहेल का मतलब जब हम सांस को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को हम अंदर ग्रहण करते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं इनहेल। तो ये देखिए, ऑक्सीजन हम लेकर के पूरी जितनी हमारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं तो ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, वो हमारी क्या होती है, इनहेल होती है। एक्सहेल का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर से जो वेस्ट के रूप में CO2 जल वाष्प निकलते हैं, इसको CO2 के रूप में शरीर से नाक के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, वो हमारी क्या होती है, एक्सहेल। इन दोनों को याद करने का अच्छा तरीका, इन मीन्स क्या होता है, अंदर, अंदर का मतलब अंदर ले जाना, एक्सहेल, एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर, तो इन मतलब अंदर और एस का मतलब बाहर। अब देखिए, अब आते हैं, ये हमारी जो श्वसन होती है, ब्रीदिंग होती है, इसकी भी दो क्रियाएं होती हैं, यानी दो कह सकते हैं, दो प्रोसेस होती हैं, क्या क्या, एरोबिक, सॉरी ये आपकी है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन। देखिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, और जिसको हम बाह्य रेस्पिरेशन बोलते हैं और एक को आंतरिक बोलते हैं। अब देखिए, जो ब्रीथिंग, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया, इनहेल और एक्सहेल दो क्रियाएं होती हैं सांस लेने में, अब यही इनहेल और यही एक्सहेल क्या होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होते हैं, जो क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन को जो है लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, इसी को ही ब्रीदिंग कहते हैं और इसी को ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखिए, यानी इसमें भी सांस का लेना, सांस का छोड़ना, इन दोनों को क्रियाओं को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, इसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो कोशिका के अंदर भोजन के पचने के बाद, यानी जब हमारा जो कोशिका के अंदर ही क्रियाएं होती हैं और जब हमारा भोजन पच जाता है, तब कोशिका के अंदर क्रियाएं होती हैं, वो हमारी क्या होती है, इंटरनल। इंटरनल का मतलब जो अंदर हो, आंतरिक हो। अब देखिए, इसमें न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, अब इसमें देखिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रॉम द फूड, यानी न्यूट्रिएंट्स क्या है, फूड से हम क्या लिए, न्यूट्रिएंट्स लिए, यानी पोषक तत्व लिए,
कोशिका में ग्लूकोज के रूप में क्या है, कोशिका में ग्लूकोज के रूप में क्या लेते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स लिया और उसके साथ क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, यानी हम जो सांस ले रहे हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन जा रहा है तो हमारा जो पोषक तत्व तो है उससे ही हमारी कोशिकाओं में क्या हुआ, मिला। और मिलने के बाद, इन दोनों के मिलने के बाद क्या निकला, CO2, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसमें आपके जो एनर्जी होती है ये हमारे काम को करने के लिए आवश्यक होती है, ये हमारे शरीर को गतिमान करते हैं, जबकि जो हमारा CO2 होता है ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और वाटर हमारे शरीर से पानी पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी हमारे जो कोशिकाओं में जो होती है क्रिया वो क्या होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन होते हैं। अब आते हैं, रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, यानी जो सांस लेने की क्रिया है वो जो सांस रेस्पिरेशन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक एरोबिक होता है और एनारोबिक होता है। क्या है, एक एरोबिक होता है और एक एनारोबिक होता है। एरोबिक का मतलब होता है जिसको ऑक्सी क्रिया बोलते हैं, एनारोबिक को जिसको अनाक्सी क्रिया कहते हैं। आप देखिए जो एरोबिक होता है उसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ये हमारा क्या होता है, एरोबिक की क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से जब मिलता है तो उससे क्या होता है, CO2 और वाटर निकलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, ये यानी ग्लूकोज में हमारा जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिया वो ग्लूकोज के रूप में सेल में स्टोर हुआ, उसके बाद उसके साथ हमारा ऑक्सीजन आया, इन दोनों ग्लूकोज और जब ऑक्सीजन मिले और उसके बाद क्या निकला, CO2 निकला, वाटर निकला और एनर्जी निकला। ये होगी हमारी एरोबिक की क्रिया, जिसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो इनसे CO2 और इसके साथ साथ एनर्जी और वाटर जो है प्रोड्यूस होती है, इसी क्रिया को बोलते हैं एरोबिक की क्रिया। और ये मुख्य रूप से प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, यानी पेड़ पौधों और जानवरों में पाए जाते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा हमारे जो एनर्जी होती है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, किसमें, हमारे एरोबिक की क्रिया में, यानी हम लोगों के अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो एरोबिक है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती हैं और ये सेल में होती हैं और इससे CO2 एनर्जी और वाटर जो है प्रोड्यूस होती है। अब आते हैं एनारोबिक, क्या है एनारोबिक, एनारोबिक में क्या होता है, ये अब्सेंस ऑफ एयर, यानी जिसमें ऑक्सीजन या एयर ना उपस्थिति हो और उसमें क्रिया हो रेस्पिरेशन की, उसे बोलते हैं एनारोबिक, या हिंदी में बोलते हैं अनाक्सी की क्रिया, अनाक्सी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ना हो। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए हम यहाँ पर ग्लूकोज है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दिया गया, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है अब्सेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन अब्सेंट है और इसे फिर क्या निकला, एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। क्या क्या है, एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो है इसमें से प्रोड्यूस हुई, यानी इसमें देखिए आपका CO2 निकला, वाटर और एनर्जी, इसमें आपके एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखिए ये जो एनारोबिक की क्रिया होती है इसी को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन की भी क्रिया कहते हैं और इसी को अब्सेंस ऑफ एयर भी कहते हैं, यानी इसमें एयर की अनुपस्थिति होती है। और ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया और खमीर और जो परजीवी बैक्टीरिया परजीवी जो कीड़े होते हैं उनमें ये क्रिया पाई जाती है, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें जो ऊर्जा होती है, जैसे इसमें देखिए कि ऊर्जा क्या है, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जबकि जो हमारे एनारोबिक की क्रिया होती है उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है कितनी, वो बहुत ही कम होती है, यानी इसमें एनर्जी जो है बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है। और यह मुख्य रूप से किसमें, हमारे बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होते हैं, परजीवी जो कीड़े होते हैं उनमें देखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने समझाया एरोबिक क्या है, एनारोबिक क्या है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट एरोबिक और एनारोबिक मैं आपको बता रही हूँ। और इसके साथ साथ आपके याद रखना, एरोबिक का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक का मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, और इसके साथ साथ इनहेल क्या है, एक्सहेल क्या है, ये मैंने आपको बताया, इन मतलब अंदर लेना, एक मतलब बाहर निकालना। और हमारे जो रेस्पिरेशन होते हैं दो क्रियाएं होती हैं, एक आपकी इंटरनल होती है और एक आपकी एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल में क्या है, इसमें ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को जो है छोड़ते हैं। और आपके इंटरनल में क्या होता है, जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर हमारे ऑक्सीजन मिलते हैं
और ऑक्सीजन के मिलने के बाद CO2 वाटर एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करती है। तो यह हमारा टॉपिक यहाँ पर अभी Part 1 है। अब इसमें आपको नेक्स्ट में बताऊंगी श्वसन में भाग लेने वाले कौन कौन से अंग हैं और वो क्या काम करते हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगी। और उसी में आपका रहेगा प्राकृतिक श्वसन क्या है और कृत्रिम श्वसन क्या है। तो ये वीडियो देखिए और नेक्स्ट के लिए भी आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और पहली वीडियो मेरी देख रहे हो तो इससे आप अवश्य ही जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, इससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आती रहूंगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।